इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट सहित भोपाल, जबलपुर सहित देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से मिली है। धमकी मिलने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ईमेल के आधार पर एरोड्रम थाने पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं CISF ने एयरपोर्ट पर सर्चिंग भी की है। भोपाल, जबलपुर सहित देश के 50 एयरपोर्ट को मंगलवार को ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद देश भर में 50 से अधिक एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अनजान मेल से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरा ईमेल मिलने के बारे में इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने पुलिस को सूचना दी है। ईमेल पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद इंदौर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 507 और वायुयान अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस और CISF ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए, कल एक एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको एक मेल आया था जिसके अंदर उन्होंने एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी थी वो दी गई थी। तत्पश्चात एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एरोडम थाने पे पुलिस द्वारा इसमें एक मामला कायम किया गया है। प्रारंभिक विवेचना में ये पाया गया कि उसने इस प्रकार के जो ईमेल हैं वो सभी एयरपोर्ट्स को भेजे थे इंडिया के, तो इस प्रकार इससे ये प्राइमा फसाई प्रतीत होता है कि ये थ्रेट कोई स्पेसिफिक इंदौर एयरपोर्ट के लिए नहीं था, ये एक जनरल थ्रेट था। तत्पश्चात हमारे द्वारा जीमेल को भी इस विषय में नोटिस लिखा गया है कि ये फला मैसेज का ओरिजिनेशन या इसका सोर्स कहाँ से है, तो जीमेल से जैसे ही जानकारी आएगी उसके बाद इस पर और भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।